हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धन। यू आर वाचिंग कार्स एंड फन यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो में आपको एक छोटी सी वैली दिखाऊंगा। मेरे पीछे ये सारा आप देख रहे हैं, ये एक फार्मिंग एरिया है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो इस वैली में आया हूँ, ये मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी यहाँ पर नज़र पड़ी है। ये एक छोटी सी वैली है जिसका नाम, ये एक छोटा सा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये सारा इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ये एक छोटा सा फार्मिंग एरिया है, वो वहाँ पे फार्मिंग हो भी रही है। इरीगेशनल एरिया है, वो जो रोड ये गुजर रही है जहाँ से आपको गाड़ियाँ, इसकी अपोजिट साइड पे गोल्फ का एक बहुत बड़ा क्लब है, मतलब गोल्फ का एक स्टेडियम है। और ये साइकिल का ट्रैक है। और ये और नॉर्मल यहाँ पीछे रेजिडेंस एरिया है, पर यहाँ पर उन्होंने ये थोड़ी सी जगह बनाई हुई है। और ये मतलब काफ़ी वहाँ आगे वहाँ पे जो दरख्त हैं उसके बाद से फिर वो रेजिडेंस एरिया शुरू हो जाता है। पर यहाँ पे ये एक छोटा सा फार्मिंग एरिया, यहाँ पे वीट, और अभी तो खैर मौसम नहीं है, पर मौसम में भी यहाँ पर काफ़ी ये फसलें वगैरह होती हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी आना जाना है उस रोड से। सो ये एक छोटा सा इन्होंने पॉइंट सा बनाया हुआ है, इन दो सा ये साइकिल और यहाँ से दूसरी रोड आती है। और यह इसमें आप इस तरह नीचे आप आगे भी जा सकते हैं। ये साइकिल का छोटा सा ट्रैक है ये आगे, मेरा ख्याल यहाँ आगे एक अंडरग्राउंड कोई है, टनल सा भी है जो यहाँ से रोड क्रॉस करने में मदद करता है, क्योंकि वो एक हाई स्पीड लेन रोड है। और ऐसे मौसम इस जगह पे काफ़ी विंडी, और यहाँ पे आगे एयरपोर्ट भी है। ये आप इस यहाँ से थोड़ा सा आगे एक आई थिंक ओरली एयरपोर्ट इस तरफ ही आता है, क्योंकि पेरिस में मेन दो एयरपोर्ट हैं, एक है सीडीजी और दूसरा ओरली में। आई थिंक ओरली इस डायरेक्शन में ही आता है। यहाँ पे एक और छोटा सा एयरपोर्ट होता है जो उनकी जब नेशनल डे ऑफ फ्रांस होता है तो उस पर वो एयरपोर्ट उड़ाते हैं, और वहाँ से जहाज उड़ते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते बेल आइकन को दबा दें। अपना और अपने ज़्यादा गिरदनों के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।